हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। तो दोस्तों, जो ये नोटिस वायरल हो रहा है, जो लोग आप ग्रुप में सर्कुलेट कर रहे हैं, सारे लोग, सारे जितने भी जो यूट्यूबर्स हैं या जो भी टीचर्स वगैरह हैं, वो आपको बता रहे हैं कि ये जो नोटिस है इसके अकॉर्डिंगली आपके एग्ज़ाम होंगे। बट जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हो तो आपको वहाँ पर कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो क्या ये हम ये मान लें कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो 16, 17 और 23 और 24 दिसंबर को होने वाले हैं? मैंने पहले भी आपको वीडियो बना के बताया था कि ये जो नोटिस वायरल हो रहा है, ये आपको जो आपकी EMRS की वेबसाइट है वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और अगर चलिए ये डेट उन्होंने दे भी दी 16, 17, 23 और 24, तो EMRS की वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो उसने जो नोटिफिकेशन निकाले थे उसमें नॉन टीचिंग पोस्ट है। नॉन टीचिंग पोस्ट में भी जाएंगे तो उसमें कई सारी कैटेगरीज मिलेंगी आपको, 4 से 5 कैटेगरीज मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा फिर उसके पास हॉस्टल वार्डन है, उसके बाद TGT है, PGT है, तो इतनी सारी पोस्ट। अब आप ये नोटिस जो पढ़ते हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके का आपको वो देखने को नहीं मिल रहा है कि किस जो है पोस्ट के लिए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया, किस पोस्ट के लिए डेट दी गई है। हो सकता है ये टीचर के लिए हो सकता है PGT के लिए हो सकता है ये लैब अटेंडेंट के लिए हो, तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ मेंशन। और 4 दिन में ये इतनी सारे जो पोस्ट हैं उनका एग्ज़ाम किस तरीके से करा सकते हैं, ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात होगी। हालांकि एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, बट फिर भी 4 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये जो नोटिस है ना दोस्तों, ये बेसिकली 20 अक्टूबर को जारी किया गया था, जैसा कि आपको मालूम भी पड़ेगा। तो ये जो नोटिस है ये मिनिस्ट्रियों के लिए, यानी कि इन्होंने बोला कि हम ये अभी शायद ये कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है, इन्होंने अपनी तरफ से जारी किया है कि हम इस डेट को एग्ज़ाम कराने वाले हैं। इन्होंने एक लेटर लिखा है जो कि किस किस को लिखा है, UPSC को, SSC को, रेलवे को, केंद्रीय विद्यालय, NBS को, IBPS को, जितने भी जो इंस्टीट्यूट उन्होंने जो कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, उन्होंने स्टेट PCS वगैरह जितने भी होते हैं सभी को ये लेटर लिखा है कि भाई हम लोग इस डेट को ये एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, इस डेट को, ठीक है। तो आपका आपको ये सूचना दी जाती है कि आप कोई भी इस डेट में एग्ज़ाम ना कराएं। बट ये EMRS है, ये ट्रैवल मिनिस्ट्री है, ठीक है। वहीं अगर हम SSC की बात करें, IBPS, रेलवे बोर्ड, NBS, KVS, UPSC, ये लोग बड़ी संस्थाएं, तो अगर ये चाहें तो उसकी डेट को खारिज कर सकती हैं, बोलेगी कि हमारा एग्ज़ाम है, आप अपने एग्ज़ाम को और कहीं शिफ्ट कर लिए। तो ये अभी केवल इंटरनल प्रोसेस चल रही है, जब तक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी अपडेट देखने को मिल जाए तब तक आपको यकीन नहीं करना है। केवल आपको ये मानते हुए पेपर जो है तैयारी करनी कि आपका दिसंबर में 5 तारीख के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। इसमें भाई कहीं पे मेंशन नहीं है कि JSA का एग्ज़ाम होगा, लैब अटेंडेंट का होगा, टीचर का होगा, हॉस्टल वार्डन का होगा, किस पोस्ट का ही एग्ज़ाम लेने वाले हैं, इसमें ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। बस इन्होंने डेट्स मांगी हैं कि ये जो डेट हमने फिक्स किए हैं, क्या आपको आप में से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हम इस डेट में कर रहे हैं, आपका कोई एग्ज़ाम नहीं चाहिए, ऐसा इन्होंने एक लेटर लिखा है। अब जरूर थोड़ा ना सामने वाला मान ले, SSC बोले नहीं हमारा, हम बड़ी संस्था है तो हम तो अपना कंडक्ट कराएंगे, ऐसा कैसे, तो UPSC से टक्कर थोड़ी लेंगे लोग। तो ये चीज़ समझने वाली चीज़ है। तो मैं बस यही बोलूँगा कि आप जो अपनी तैयारी करने वाले हैं, अभी से मान के चलिए कि 30 to 40 days मान के आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखिए। और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैं आपके लिए GK की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये तो एक तो ये देखिए, ये SSC की पिनेकल की बुक है, ठीक है, ये एक खतरनाक बुक है भाई, अगर इसको पढ़ लिया ना तो EMRS तो कुछ लग ही नहीं रहा, ठीक है। इसमें SSC के जितने भी पेपर हुए हैं आज तक, SSC, CGL, MTS, ठीक है, इसके अलावा CPO, इसके अलावा आपका जितने भी होते हैं CISF वगैरह, फर्स्ट कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले, वो सारे एग्ज़ाम का जो सॉल्यूशन है वो इसके अंदर आपको दिए गए, ठीक है। ये 3rd edition है SSC का, तो ये आप देख सकते हैं, बहुत शानदार बुक है। मैं इसको परचेस करने के लिए नहीं बोलूँगा आपको, मैं एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ इसमें किस किस एग्ज़ाम का कंटेंट है। हालांकि इसमें इन्होंने लिख के नहीं दिया है, ठीक है, इसमें टोटल इन्होंने कहीं पर भी ये मेंशन किया, पर ये मेंशन था, मैं शायद भूल रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है इसमें, ठीक है, कहीं पर इसमें पूरा जो है डिटेल में मेंशन था कि इन एग्ज़ाम में ये पूरा आया हुआ है, ठीक है। SSC के नाम से आती है, 3rd edition है, इसका 4th edition भी आया, हाँ ये लिखा हुआ है, देखिए SSC, CGL के, CPO के, SSC, HSL, JEE के, SSC, MTS, JD, स्टेनो, दिल्ली पुलिस सिलेक्शन पोस्ट एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम, टॉपिक वाइज कवरेज, यानी कि जो TCS कंपनी उसके द्वारा जितने भी आज तक SSC के एग्ज़ाम लिए गए हैं और कोई भी अन्य जो TCS के द्वारा एग्ज़ाम लिया था, पूरा निचोड़ इसके अंदर है GK का, ठीक है। तो सोच लो
ये अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम और भी कई सारे वनडे एग्जाम जो कि एसएससी लेती है उसका पूरा निचोड़ है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एक मतलब कोई पैटर्न नहीं है, इसमें एक पैटर्न फॉलो किया गया है। जैसे स्टैटिक जीके है ना, स्टैटिक जीके में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसके आगे पूरा इन्होंने डिटेल में दे रखा है कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख लें, इतिहास को इन्होंने 3 पार्टों में बांटा है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। और उसमें भी क्या करा गया है इन्होंने, टॉपिक वाइज दी 1857 का विद्रोह, इससे कितने क्वेश्चन है ये पूरा इन्होंने बोला गया। ठीक है, 16 प्रश्नों की संख्या 16 है। और इसमें इतनी शानदार चीज़ है ये कि इसमें जब क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन उसके नीचे उसका आंसर, उसके नीचे उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दी है। यानी कि केवल आंसर नहीं दिया कि भाई मुकेश का नाम क्या है, मुकेश का नाम सुरेश है, तो भाई सुरेश क्यों है, ये पूरी जानकारी दी गई है इसमें। ठीक है, अदर स्टैटिक फैक्ट भी है। तो आप चाहते हैं कि मैं इसको कवर कराऊं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके, इसकी स्टैटिक जीके सीरीज चला दूं इसकी, या फिर आप चाहते हैं एक ही बुक आती है स्पीडी की, ठीक है, स्पीडी की है, ठीक है, रेलवे के लिए। और ये भी अपने आप में बहुत खतरनाक बुक है, बट इसमें केवल वन लाइनर क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। बट भाई इसमें इतने क्वेश्चन है ना भाई, लगा लिए ना, तो अगर मान के चलिए इसमें इतने क्वेश्चन है कि 4-5 क्वेश्चन का मिक्सअप करके भी वो अगर बंदा क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछने वाला, तब भी आप इसका आंसर दे पाएंगे। बट इसमें क्या है, क्वेश्चन और आंसर है, इसमें क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का आंसर है, और आपका डिस्क्रिप्शन भी है, ये भी पूरी प्रीवियस ईयर के बेस्ड है। ठीक है, इसमें देखिए किस तरीके से, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको कंप्लीट करा दूँगा। इसमें देखिए क्या है, ये देखिए पूरा रंग के रखा है, ये मेरे ही पूरा रंगा हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए ये इतिहास है, हिस्ट्री, विश्व का भूगोल, विश्व का और भारत का इतिहास। तो इसमें क्या है, शुरू से लेकर यानी प्राचीन से लेकर आधुनिक तक जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री तक पूरा क्रमवाइज दिया गया वन लाइनर फैक्ट में, कि यह क्वेश्चन आंसर मतलब कि क्या क्रम रहा था पूरा हिस्ट्री का। और लगभग अगर मैं इस तरीके से इसमें देखूं तो मुझे नहीं लगता इसमें अराउंड 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री के आपको देखने को मिलने वाले हैं, 1000 से भी ज़्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चन केवल। तो इसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, जैसे देखिए वित्त आयोग का गठन कब कब हुआ, फलों व सब्जियों के रंग कौन कौन से है ना, और फसलों के प्राचीन नाम, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, इसमें पूरा टॉपिक वाइज दिया। तो आप बोलेंगे तो मैं इसके भी जो है टॉपिक वाइज भी करा दूंगा, और पूरा एक लेक्चर बना दूंगा हिस्ट्री का, एक कंप्लीट वीडियो 2-3 घंटे का जितने का बनेगा, जिससे क्या होगा आपको बार बार वीडियो देखने के लिए, एक वीडियो देखो काम खत्म। ठीक है, तो आप सजेस्ट कीजिएगा कि मैं क्या क्या आपके लिए बेटर करूँ। ठीक है, इसके अलावा ठीक है वीडियो पूरा देखना, ये मेरी इंग्लिश की वोकेबलरी वगैरह है। ठीक है, ये तो नोट्स हैं मेरे वोकेबलरी के, और ये देखिए मेरी खुद की वोकेबलरी है लिखी हुई खुद के हाथों से। ठीक है, और एक एक वोकेबलरी को मैंने बिल्कुल रंग के रखा है बिल्कुल अच्छे से, और पता नहीं कितनी बार मैं पढ़ चुका हूँ इसको। ठीक है, ये देखिए ये पूरा मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, ये तो एक बुक है, ऐसी मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा ये वन वर्ड्स हैं मेरे। ठीक है, बहुत सारे, बहुत शानदार तरीके से लिखा हुआ है इनको, नोट्स को, भाई 4-5 साल की मेहनत है। ये ईडियम्स फ्रेजेस है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मेरी ईडियम्स फ्रेजेस है, ये भी रखी हुई है पूरी। तो ये इसमें लगभग शायद 500 के हैं, ये 500 ईडियम्स फ्रेजेस, 500 वन वर्ड। इसके अलावा ये मेरे नोट्स हैं कुछ, ये तो बहुत कम है, इसके अलावा ही मेरे पास ढेर सारे नोट्स हैं। ठीक है, 3 रजिस्टर वोकेबलरी के भरे हुए। तो वोकेबलरी के भी आपको सेशन चाहिए तो आप वो कमेंट करिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर नोट भी कर रखा है ये सारा, ई एम आर एस जैसे के लिए मैंने आपसे एक वीडियो बनाया था कुछ समय पहले लाइव, जिसमें मैंने आपके डाउट लिखे थे, तो वो पेपर यहीं पढ़ा था मैं, आपको पता है मेरी तबीयत थोड़ी हेल्थ सही नहीं थी, तो ये सारे टॉपिक्स भी आपको धीरे धीरे जितने भी मैंने आपके डाउट लिखे थे सब कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपको मैं कराने वाला हूँ। हिंदी भी आपको, अभी दिवाली पर घर जाने वाला हूँ तो हिंदी में वहाँ पर आपको बोर्ड से करा दूंगा पूरी उस समय में। ठीक है, दिवाली के समय में। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा और भी कुछ आपको पढ़ना है तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, कंप्यूटर भी आपको पढ़ाऊंगा, तो आप बताइएगा। मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए मैं सारा शुरू जीरो से फिर से शुरू करना चाहता हूँ मैं, मतलब बहुत दिनों बाद मैं पूरे तरीके से पूरा मन बना के आऊँगा कि मैं बैकअप करूँगा यूट्यूब पर, तो पूरे तरीके से लगने वाला हूँ। तो आप बताइए कि मैं क्या क्या आपके लिए कर सकता हूँ। ठीक है, एक बार कमेंट नीचे कर दिएगा और वीडियो को लाइक कर देना यार, दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर जरूर कर देना, नीचे कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, है ना, 2 ग्रुप है, टेलीग्राम पर द एग्जाम हेल्पर और द एग्जाम हेल्पर जीके, दोनों ज्वाइन कर लेना। जाए एग्जाम हेल्पर जीके पर बहुत सारे इतना सारा पीडीएफ्स का कंटेंट वगैरह डालते रहता हूँ, तो उसको भी आपको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी वीडियो चलो लाइक कर देना है, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।